सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोक आवाज़ टीवी ते मैं मनिंदर जीत सिद्धू। अज तुहानू दिखाउणे आ कि पिछले दिन करोना दे ज़्यादा केस आउण करके मिशी चक्की वाली वाली गली जो कि फाटक तो पार है उन्हों कंटोनमेंट जोन च तब्दील कर दिता गया सी, जिथे 12-13 के करीब परिवार रहिंदे है। तां तुहानू पता है कि जदों कंटोनमेंट जोन बंद है तो जिहड़े उत्थों दे रहण वाले लोग आ उन्हां दा बाहर अंदर जाण ते पाबंदी हुंदी है पुलिस वल्लों प्रशासन वल्लों, तो उसते वख-वखी अधिकारियां दी ड्यूटी लगाई जांदी है। तो इस पाबंदी के चलदियां उन्होंने अपनी जिहड़ी रोजाना की जीवन बसर करना हुंदा उस च समस्यावां आउंदियां, रोजी रोटी दियां समस्यावां आउंदियां, घर दे विच जो लोड़ींदा चीज़ां हुंदियां उन्हां दियां समस्यावां आउंदियां। तो इस समस्यावां दा जो उन्होंने लोगों को राहत देने लिए समाज सेवी संस्था अते जैतो पुलिस वल्लों एक उपराला किया गया कि उन्होंने राशन दियां किटां मुहैया कराणियां जाणियां, जिहदे नाल जिहदे विच तकरीबन काफ़ी आइटम है उहदा तों जानकारी भी लवांगे कि किन्ने दिन का राशन इहदे विच हुंदा है, जिहदे नाल कि किन्ने दिन जिहड़ा कंटोनमेंट जोन बनिया रहना ते इहदे विच राशन किन्ने दिन का, इस संबंधी जानकारी ते गल्लबात भी करदे आ। साडे नाल SHO जैतो मौजूद है। हाँ जी SHO साहब, क्यों लग्या भी कंटोनमेंट जोन के लोगों को ये चीज़ा मुहैया करवा चाहिए? क्योंकि साड़ी इत्थे जिवें तुसीं देख रहे हो कि बैरीकेड लगाया होया बंद किया रस्ता और साड़ी पुलिस भी लगी है, वो इस करके सी कि ये लोग बाहर ना आउण। जदों ये बाहर आते सी तो इन्हां नूं रोकिया जांदा सी ते कहिंदे सी भी असीं हैंड टू माउथ हैं, भी साड़े रुजगार साड़ी रोजी रोटी सिर्फ दिहाड़ी है, जे असीं दिहाड़ी ते नहीं जावांगे तां किते ना किते इह सानूं प्रॉब्लम आऊगी भी खाण पीण दी। तो फिर मैं गल मेरे आ जिहड़े दोस्त खड़े ने तुसीं देख रहे हो सारे, जिन्हां दी मदद नाल जिन्हां ने विशेष उपराला किया ते इन्हां नूं फिर राशन असीं इकट्ठा किया भी असीं इन्हां नूं जेकर 15 दिन इन्हां नूं घर दे अंदर ही क्वारंटाइन रखना है ते फिर इन्हां नूं सहूलत भी दित्ती जावे। ते फिर मेरे एक छोटी जी बेनती ते मेरे जिहड़े दोस्त नाल खड़े ने मैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा इन्हां ने किया है। इन्हां दे विच जिहड़ियां घर रसोई दे विच लोड़ींदियां चीज़ां हुंदियां सारियां ही की आइटमां इहदे विच पाईआं गईआं? आइटमां इन्हां दे इहदे अंदर जिवें तुसीं देख रहे हो 16 आइटमां है। ठीक है जी। जिहड़ियां खंड चाह पत्ती नमक मिर्च मसाला सारा ही, और 17वां एक आटे की थैली दित्ती जा रही है। ठीक है जी। ते के एक किन्ने दिन जिहड़ा जिहड़ा हुण कंटोनमेंट जोन बनाया है किन्ने दिन रहूगा? हजे किन्ने दिन हजे पई है? वैसे तो असीं 14 दिन वाली हुंदा है जो उपरों हदायत आउंदी है, बट क्योंकि इस गली के अंदर 7-8 पेशेंट जो आए हुए ने पॉजिटिव ने, और नैक्सट टैसट फिर कर हैल्थ डिपार्टमेंट टैसट फिर करता सैंपलिंग फिर करता, उस तो अगे पता लगता है भी किन्ने दिन बाद पता लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डिसीजन लेना हैल्थ डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, मतलब तुहाडा काम तो सिर्फ यही है जिहड़े लोग है बेटी घर के अंदर रहन बाहर निकल। बिल्कुल बिल्कुल, साडा काम ही। ठीक है जी। तो साढ़े नाल जिन्हां ने राशन प्रोवाइड किया उन्हां नाल भी असीं गल्लबात करते हैं, क्यों लग्या कि लोगों नूं जिहड़ा इह प्रोवाइड करना चाहिए तुहाडी संस्था नूं क्यों लग्या? सर इस तरह देखो भी अजकल तकरीबन पहला 1 साल तो लॉकडाउन चल रहा है जी। हाँ जी। हजे लोग थोड़ा जिहा उहदे च उभरे ने सीगे कि दुबारा करोना की मार फिर पै चली जी, तो तकरीबन ही हुण लोड़वंद लोग आ जी चंगे चंगे बेचारे मजबूरियां आईयां पईयां कम कर दियां, हुण इह इक दिहाड़ीदार परिवार तकरीबन ज़्यादा सी इन्हां दे विच, तो इन्हां दे कोई इन्ने कमाई के साधन नहीं सीगे, इन्हां नूं क्वारंटाइन किया होया सर प्रशासन वल्लों, हुण इन्हां दी मजबूरी देख के असीं सोचा भी चलो जिन्नी हुंदी है मदद करनी चाहिए है सर, हुण सानिहत दिनां ते जी करनी चाहिए। हाँ जी। किन्नियां किटां तैयार कीतियां? इह 15 किटां तैयार कीतियां जी। 15 किटां तैयार करदे समय सारा ध्यान रखिया गया भी इहदे विच किहड़ियां मतलब जिहड़ियां साडी रसोई दे विच रोजाना वरतण वाली सारियां चीज़ां इहदे विच? हाँ जी, सारियां चीज़ां जी, मसाले तों लै के घिओ दाल सारा कुछ ही है जी। सारा कुछ है। तो साढ़े ना समाज सेवी है भिंदर भी ने जो कि वातावरण की संभाल भी करते हैं, तो अज वो इत्थे है। भिंदर जी, ये जिहड़ा उपराला किया गया है ये लगता है भी जिवें हुण पिछले साल भी असीं देखिया जो करोना काल सी तां वख-वख जथेबंदियां वख-वख संस्थावां वल्लों अजिहे उपराले किए गए, दोबारा सरकार लॉकडाउन वल वध रही है कि लगता है कि इस तरीके दे नाल ठीक है जां सरकार नूं भी जिहड़ा लॉकडाउन है वह नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की रोजी रोटी भी तो खत्म होंगी? देखो जे लॉकडाउन होगा वो पहला कितना नुकसान होया गा और दिन प्रतिदिन तो लॉकडाउन जो होया तो नुकसान होंगे ही रहूगा। हाँ जी। तो ये कितने ना कि मैनू लगता भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए गा क्योंकि लोग जिहड़े हैगे आ गए वह बेचारे आर्थिक पक्षों भी कमजोर हो चुके हैं तो बुरा हालत उन्हों की चंकी नहीं हैगी, इस करके जो दोबारा लॉकडाउन लग गया तो हूँ तो फिर नुकसान ही है और वाधी नुकसान होंगे जाऊगा वाधी नुकसान। तो असी गलबात की जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां अमृत अरोड़ा जी है वह भी जिहड़े चलाउंदे हैगे जिहड़ी संस्था चलाउंदे आ अमृत अरोड़ा जी तुहाडे जिहड़ी संस्था उहदे वल्लों इह उपराला किया गया, जे मतलब इस तरीके का कोई होर भी कंटोनमेंट जोन बनता तो जिहड़ियां सेवावां लगातार जारी रहणगियां तुहाडे? जारी रहणगियां बिल्कुल जी। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੀ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
जिस घर च लगता है कि कोई बुजुर्ग माता है जिन्हों के घर च बंदा ही नहीं कोई या बच्चे छोटे है या कोई लेडीज इदा दी है हर बंदे लई असीं उपराला कर रहे हैं भी कम से कम उन्होंने राशन मुहैया करा सकी है असी तुहाडे सब दा सहयोग भी नाल असी हुण चाहुंदे इस टाइम क्योंकि असी जिहड़ा अज देखिया सानू मैसेज मिलिया सी कि 14-15 घर ऐसे है जिहड़ी बहुत गरीब घर हैगे है जिहड़े पिछले 5-6 दिनों तों बंद किए क्वारंटाइन किए है इन्हां लई राशन दा इंतजाम करो तो वो एक घंटे के असी सारा सारिया किटा तैयार कर लिया सानू तो 12-13 घर गया असी फिर भी 15 तैयार कीतियां जे होर भी कितने जरूरत पेगी तो असी हर थां ते हाजिर रहांगे तो यह समाज सेवी लोग है नाल पुलिस के सहयोग पुलिस वालों सहयोग की मांग की गई तो समाज सेवियां वालों मंग ते फुल चढ़ाउंदिया जिहड़ियां किटां दिखा दिए कि इहदे विच घर वरतों का सारा समान है वह प्रोवाइड किया गया यह साडे पंजाब दी साडे लोगों की खासियत है बेशक असी कह दिए कि जिहड़ा सरकार है उहनूं करो यानी कि लॉकडाउन वाला जिहड़ा इस टाइम लोगों की जिहड़ी हालत है उहनूं देख के नहीं वधना चाहिए पर साडे लोगों की जिहड़ी तबीयत आ उह है कि जदों भी कितें कोई संकट आउंदा है ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲੇਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਜੈਤੋ।